दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट। तो बताते हैं आपको पूरी हाईलाइट। कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। शुरुआती दो दिनों की बात करें तो पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 245 रन लगाए थे, तो साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 256 रन लगा दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में तीसरे दिन भी वापस से साउथ अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मार्को जॉनसन और उनके साथ डीन एलकर, जो कि 150 रन लगा चुके थे। दोनों के बीच में साझेदारी काफी बेहतरीन हुई। 110 रनों की दिन के शुरुआत में ही एलकर भी बेहतरीन 150 रन के पार पहुंच चुके थे, तब जाकर वो आउट हुए। 200-185 रन पर एलकर बल्ले का एज जेबेड शरीर से और राहुल ने कैच लपक ली, लेकिन एक बेहतरीन पारी का अंत हुआ। 185 रन बनाकर डीन एलकर इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद आए कॉडजी, लेकिन अश्विन की इस गेंद पर सिराज को कैच देकर केरल कॉडजी 19 रन बनाकर आउट हुए। टीम दूसरे एंड से मार्को जॉनसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विकेट नहीं थी। दोस्तों आप सभी को बता दें, आते ही इस तरीके से बर्जर भी बुमराह की गेंद पर हो गए बोल्ड। 200 अंत में कोई भी बल्लेबाज नहीं था क्योंकि तांबा बाउमा रिटायर्ड हट थे, जिस गलते मार्को जॉनसन 84 रन पर ही नाबाक गए और 408 रन पर साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग समाप्त हुई। भारतीय टीम के पास 140 रन का ट्रायल था। ऐसे में यशस्वी जायसवाल और वापस से रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की दूसरी इनिंग की शुरुआत की, लेकिन आते ही रबाड़ा ने इस तरीके से क्लीन बोल्ड कर रख दिया रोहित शर्मा को। कप्तान रोहित शर्मा 0 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद यशस्वी जायसवाल भी घबराहट में अपने बल्ले के एज से बैठे, पीछे विकेटकीपर ने शानदार कैच लपक ली। दोनों ही सलामी बल्लेबाज 5 रन पर पवेलियन में चले गए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद आए मैदान पर शुभमन गिल और विराट कोहली, दोनों के बीच में साझेदारी चली रही थी, तभी इस तरीके से मार्को जॉनसन के अंदर आती गेंद को गिल भी नहीं पड़ पाए, हो गए क्लीन बोल्ड, जिस गलते शुभमन गिल भी 26 रन बनाकर 37 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद आए मैदान पर श्रेयस अय्यर और श्रेयस अय्यर का साथ दे रहे थे मैदान पर विराट। दोस्तों विराट कोहली तो काफी ज्यादा बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उनका बेहतरीन साथ नहीं दे पा रहा था, और वही काम किया श्रेयस अय्यर ने भी। दोस्तों मार्को जॉनसन की इस गेंद को श्रेयस अय्यर पढ़ नहीं पाए और हो गए इस तरीके से क्लीन बोल्ड, जिस गलते श्रेयस अय्यर मात्र 6 रन बनाकर हुए आउट और वापस पवेलियन लौट गए। दोस्तों लेकिन फिर भी मैदान पर चट्टान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के रन मशीन, भारतीय टीम की शान, भारतीय टीम की जान विराट कोहली, और विराट कोहली ने देखते ही देखते अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों फिर आए मैदान पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन केएल राहुल भी आधे ही बर्जर बर्जर की इस गेंद पर एज से बैठे और मार्कम ने शानदार कैच लपक ली। राहुल आउट हुए 4 रन बनाकर। उनके बाद अश्विन भी आ रही अपने बल्ले का एज से बैठे और इस तरीके से उनकी भी कैच लपकी गई। 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाले बर्जर ने और वो हैट्रिक पर आ चुके थे। साउथ अफ्रीका ने पूरे मैदान पर गेम को बदल दिया था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम की दूसरी इनिंग यहीं पर समाप्त हो जाएगी। फिर आज शार्दुल ठाकुर अगले ओवर में, लेकिन आते ही रबाड़ा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाई, ये भी एज लेकर गेंद गिरी। दोस्तों शार्दुल ठाकुर भी आउट हुए मात्र 2 रन बनाकर। ये सब नजारे दूसरे एंड से विराट कोहली देख रहे थे। 8 विकेट गिर चुके थे। 200 विराट कोहली तो अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी बुमराह भी सिंगल लेने के चक्कर में विराट कोहली को स्ट्राइक देने के चक्कर में रन आउट हुए मात्र 0 रन बनाकर। अब 1 विकेट बची थी। प्रसिद्ध कृष्णा आए। विराट कोहली तो जैसे तैसे ट्रायल पूरा कर रहे थे। अभी भी 32 रन का ट्रायल भारतीय टीम के पास बाकी था और विराट कोहली अकेले ही बल्लेबाज थे। 130 रन पर 9 विकेट गिरे, लेकिन अकेले विराट कोहली भी कब तक मैदान पर खड़े रहे थे। अंत में मार्को जॉनसन की इस गेंद पर एक और तेज शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली पीछे रबाड़ा को कैच दे बैठे और आखिरी विकेट भी भारतीय टीम की गई इस तरीके से, जिस गलते मात्र 131 रन पर पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हुई और एक इनिंग रहते हुए और 32 रनों से साउथ अफ्रीका ने इस टेस्ट मुकाबले को जीत लिया। भारतीय टीम के लिए काफी शर्मनाक हार रही। लेकिन दोस्तों विराट कोहली की संघर्षीय पारी को 5 में से कितना नंबर देंगे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।